स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लास में। आज मैं आपको कुछ अलग सी चीज़ बता रही हूँ, बहुत आसान तरीका एंट्री करने का, बहुत ही आसान कि आप पूरी बुक की एंट्री 10 मिनट में ही समझ जाएंगे कि एक्चुअल में एंट्री का फंडा अकाउंट से क्या होता है। अकाउंट और एंट्री बिल्कुल रिवर्स हैं, जैसे एंट्री होती है उसका रिवर्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिवर्स हुई एंट्री। तो आज मैं आपको अकाउंट से एंट्री बनाना सिखा रही हूँ। देखो, जैसे ये कैपिटल अकाउंट है हमारा, कैपिटल अकाउंट में मैंने कुछ चीज़ें डाली, ए बी मैंने दो पार्टनर ले लिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है क्रेडिट में बांटोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट में बांटोगे, जनरल रिजर्व क्रेडिट में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट आया है क्रेडिट में ही जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है डेबिट में जाएगा, गुडविल है बैलेंस शीट वाली, जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है वो आपकी टू गुडविल के नाम से आएगी। इसके अलावा और भी आइटम हो सकते हैं और डिफरेंस करके बैलेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट, बैलेंस के लिए तो देखो कोई एंट्री होती नहीं है। अब क्या होता है अकाउंट से एंट्री बनाने में कि क्रेडिट की एंट्री डेबिट में और डेबिट की एंट्री क्रेडिट में कर देते हैं हम। कैसे? जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लिखा हुआ है, आप इसे एंट्री में डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल, यानी कि दूसरी साइड में वो चीज़ चली जाएंगी जो हम अकाउंट बना रहे हैं। अगर हमारा ये क्रेडिट वाला डेबिट हुआ तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन भी आपका क्रेडिट में लिखा हुआ तो एंट्री में डेबिट करिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, रिजर्व क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसे भी डेबिट करिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, रेवोल्यूशन में प्रॉफिट अगर आपका आया क्रेडिट में बांटोगे, एंट्री में रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही अब जो डेबिट में लिखे हुए हैं भाई उनको क्रेडिट कर दो। अब जब इनको क्रेडिट करोगे तो फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही तो बना रहे हैं, ये डेबिट हो जाएंगे। जैसे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये बैलेंस शीट वाली गुडविल है। ठीक है, ऐसे कुछ और हो, जैसे यहाँ पर टू कैश लिखा हुआ है तो जिस पार्टनर के में लिखा हुआ है उस पार्टनर का नाम, जैसे ए के में लिखा हुआ तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और भी कोई इन्वेस्टमेंट लेगा जैसे बी तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हुआ ना बच्चों, बहुत सिंपल तरीका। ऐसे ही किसी भी अकाउंट में होता है, किसी भी अकाउंट में, अभी मैं आपको रिवॉल्यूशन पे भी बता रही हूँ, और ये बुक के हर चैप्टर में एप्लीकेबल होगा, और सिर्फ इसी में नहीं, आप किसी भी क्लास में, बेसिक रूल है वो बदलते नहीं है, एक जैसे ही रहते हैं, फिक्स है। चाहे आप 12th की बुक लो, 11th की लो, बी कॉम की लो, किसी और की, बीबीए की, एमबीए की, सब में एक ही तरीका रहेगा, क्योंकि ये रूल है तो उसी तरीके से लगेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ गए, क्रेडिट की एंट्री डेबिट में और डेबिट की एंट्री क्रेडिट में, और दूसरी साइड पे वो जिस अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल। अब देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट के हिसाब से भी देखो एंट्री भाई, किसी भी अकाउंट की हमारी ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड होती है। अब आपको इस रिवॉल्यूशन की एंट्री करनी पड़े तो देखो कैसे होगा। अब ये जो लिखे हुए इधर के आइटम, ये डेबिट साइड लिखे हुए तो ये एंट्री जाएगी क्रेडिट में। क्या एंट्री हो जाएगी? रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट टू अनफोर्सिन लाइबिलिटी अकाउंट। अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग, जैसे रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने बताई रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स टू क्रेडिटर टू अनफोर्सिन लाइबिलिटी, ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्रेडिट की एंट्री ले लो, अब क्रेडिट में लिखा हुआ तो ये डेबिट होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट, लॉस क्रेडिट में आएगा बांटते हुए डेबिट में हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन। तो समझ में आ गई अकाउंट से एंट्री कैसे की जाती है। आज हम आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगला टॉपिक समझा रहे हैं, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल यानी कि क्वेश्चन में गुडविल तो है लेकिन वो छुपी हुई है, और उसका कोई मेथड भी नहीं बता रखा कि एवरेज प्रॉफिट की, सुपर प्रॉफिट की, कैपिटलाइजेशन कौन सा, तो ऐसा कोई मेथड इसमें नहीं लगाना, ना ही इसमें कोई उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो कैसे निकालते हैं? देखो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, टोटल कैपिटल निकालनी है पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। जैसे वो 4 लाख रुपीज़ की कैपिटल लेकर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो 4 लाख इंटू 3/1 कर दो, यानी उसके शेयर को उल्टा कर लो, रिवर्स कर लो, 1/3 के लिए आया 3/1,
अगर उल्टा कर देते हैं हम तो हमारी पूरी फर्म की कैपिटल आ जाती है न्यू पार्टनर के बेस पे। जैसे 4 लाख लेकर आया 1/3 के लिए, तो हमने 3/1 कर दिया, तो ये होगी 12 लाख। अगला हमारा स्टॉप है, हमारा स्टेप है लेस करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर का मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो मान लीजिए पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एक की दे रखी है 2,50,000, एक की 1,50,000 और जो नया आया है वो 4 लाख लेकर ही आया है। भाई तीनों की आपने प्लस कर दी तो 8 लाख की कैपिटल हो गई। और वो सारे फंड जो आप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो भी सब लेस होंगे। क्रेडिट वाले रिजर्व लेस हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन लेस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट है तो लेस हो जाएगा, रेवोल्यूशन में प्रॉफिट है तो लेस हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में जो मैंने लिया उसमें रिजर्व तो दे नहीं रखा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 60,000 है ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट 1,30,000 का ले लिया। 12 लाख में से ये लेस कर लो 8 लाख, 60,000 और 1,30,000, तो ये 2,10,000 आ गया, ये आ गया 2,10,000। अब ऐड क्या करना है, जो असेट साइड में चीज़ें होंगी या कह सकते हैं जो लॉस है, गुडविल अगर बैलेंस शीट में दे रखी है ऐड करिए, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर लॉस है ऐड करिए, एवोल्यूशन में लॉस है ऐड करिए, कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट में असेट साइड में दे रखा है ऐड करिए। अब जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें सिर्फ यही दे रखा, तो ये मैंने ऐड कर लिया। 2,10,000 में ये 30,000 ऐड किया तो गुडविल हो गई 2,40,000 की, ये गुडविल आएगी पूरी फर्म की। अब उसमें से निकालना है आपको न्यू पार्टनर का शेयर, निकाल दिया आपने 1/3 करके, तो ये आ गया 80,000। ठीक है, ये नया पार्टनर 80,000 की गुडविल आ गई। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर कैश में लेकर आया है तो एंट्री उसी हिसाब से कर देना कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आया है, नहीं लेकर आया है तो न्यू पार्टनर करंट के नाम से हो जाएगी, होगी सेक्रीफाइस रेशो में। देखिए कैसे होगी इसकी एंट्री, कुछ नहीं कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने ये माना है कि माना नहीं, आपको भी यही मानना है कि गुडविल कैश में नहीं लेकर आ रहा, नहीं लेकर आता तो आर है नए पार्टनर का नाम, आर करंट अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस रेशो में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में जो एंट्री पूछी है वो आप करके दिखा सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बुक में से आपको बता रही हूँ, अब जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल समझाया था अभी आपको कॉपी पे, अब इसमें पूछा क्या क्या है, नीचे क्या रखा है, पास जर्नल एंट्री ऑन दी एडमिशन ऑफ आर, आर के एडमिशन पे जर्नल एंट्री, तो पूरा क्वेश्चन तो पूछा नहीं, सिर्फ एंट्री पूछी है। तो एंट्री किस किस चीज़ की हो जाएंगी, एंट्री होगी एक तो ये जो फंड डिस्ट्रीब्यूट होने वाले, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन। अब ये मैंने कहाँ बताए थे कैपिटल अकाउंट में, भाई क्रेडिट में बटेंगे अगर ये लाइबिलिटी साइड में दे रखे, तो जब ये क्रेडिट में बटेंगे तो इनकी एंट्री फिर डेबिट में होगी क्योंकि एंट्री रिवर्स होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल क्यू कैपिटल, इसको ओल्ड रेशो में बांट दो, गुडविल को छोड़ के सब कुछ ओल्ड रेशो में बढ़ता है सब। अब इधर से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये कैपिटल अकाउंट में आप डिस्ट्रीब्यूट करते तो डेबिट में बांटते यानी कि टू की साइड, तो जब डेबिट में बांटते तो ये क्रेडिट में जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 4 लाख की वो कैपिटल लेकर ही आ रहा है तो इसकी अलग से एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, और गुडविल की मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कैलकुलेशन करके, आर करंट अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल क्यू कैपिटल। ये जो मैंने आपको यहाँ बताया था गुडविल का फॉर्मूला, यहाँ देखो मैंने ये रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस रिवोल्यूशन या जो भी कुछ है वो सब इकट्ठे ले लिए इकट्ठे, और इन लोगों ने क्या कर रखा है कि कैपिटल के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर करके ले रखे हैं, जैसे ए के साथ ए का हिस्सा, बी के साथ बी का हिस्सा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करके निकालते तो भी ठीक ही आएगा आंसर, और आप सीधा इकट्ठा भी लेस करोगे तो भी ठीक ही आएगा आंसर, वो इकट्ठा लेस करने से आपकी कैलकुलेशन का टाइम थोड़ा बचेगा, जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे इकट्ठा ही लेस कर दिया है, वो ज़्यादा आसान है। बाकी आपको जो तरीका पसंद आया आप वैसे कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया।